चेहरा है या चांद खिला। दोस्तों, जब भी हम ये वाला सॉन्ग सुनते हैं ना, हमारे मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है कि हमारा चेहरा भी चांद की तरह ब्यूटीफुल बन जाए। लेकिन आज जो मैं मेथड लेकर के आई हूं अपने चैनल सिंपल इजी टिप्स टू बी फिट एंड हेल्दी में, वो आपको बेदाग बना देगा। चांद में तो फिर भी दाग है, आप बन जाएंगे बेदाग। तो मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका सिंपल इजी टिप्स टू बी फिट एंड हेल्दी चैनल में। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ होम रेमेडीज पर ही आधारित हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स मिलते हैं। दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो जो कि वेट लॉस पे था, मेरी वेट लॉस जर्नी पर था, आप लोगों ने उसको इतना प्यार और सम्मान दिया। सिर्फ 5 दिनों में 11,000 से ज्यादा व्यूज एक नए चैनल को मिल जाए तो क्या बात है। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं, आपको बताती हूं मैं कुछ ऐसी होम रेमेडी जो कि आपके चेहरे को बेदाग बना देगी। आपके चेहरे को बेदाग बनाने का एक आसान और घरेलू उपाय आज मैं लेकर के आई हूं अपने चैनल में। दोस्तों, सभी जानते हैं कि आजकल एडल्ट्रेटेड फूड यानी मिलावटी खानों की वजह से या फिर सन की वजह से, समर में सन बहुत ज्यादा होता है सन स्ट्रोक से, और पॉल्यूशन जो कि बहुत बड़ी जड़ है चेहरे को खराब करने की, उन सब की वजह से हमारे चेहरे पर फ्रैकल्स हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं या पिंपल्स के ही कुछ निशान रह जाते हैं। तो उन दागों को दूर करना बहुत इंपॉसिबल सा हो जाता है। हम केमिकल्स लगाना कर देते हैं अपने फेस पर और केमिकल्स के साइड इफेक्ट की वजह से थोड़े टाइम में चेहरे में और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही सिंपल होम रेमेडी को ढूंढा जाए जो कि आपके चेहरे को बना दे बेदाग। तो आइए जानते हैं वो क्या है उपाय। फ्रेंड्स, वी नीड वन पोटैटो यानी कि एक आलू जो कि स्किन के काले दागों को हल्का करता है। इसे छील करके धो करके मिक्सर ग्राइंडर में इसे छान लीजिएगा और इसका पल्प और जूस दोनों सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप एक टमाटो ले लीजिए जो कि स्किन को ग्लो प्रदान करता है, इसका भी पल्प और जूस आप सेपरेट कर लीजिए। तीसरी चीज मैं ले रही हूँ लेमन जो कि बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट है, कई सदियों से हम जानते हैं इसके बारे में। ये तीनों चीजों का जूस आपने ले लेना है। उसके बाद आप लेंगे रोज वाटर जो कि स्किन को बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। चारों चीजों को मिक्स करके आप एक बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में रख लीजिए। आप इसे 5 से 6 दिन तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं और अगर आप ऑफिस जाते हैं जहाँ एसी यूज होता है वहां भी आप इसे ले जा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बारी फ्रेंड्स आप कॉटन बॉल में डिप करके इस जूस को, इस फ्रेशनर को अपने फेस पे लगाइए और आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके जो चेहरे के दाग है वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और स्किन में एक ग्लो आ रहा है, स्किन बहुत लाइट कलर की हो रही है। तो दोस्तों, उसके बाद जब मैंने अपने फेस को वॉश करा तो मैंने खुद देखा अपने चेहरे पे बहुत अच्छा फर्क आया। तो दोस्तों, यदि आपको कोई स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी आप इसको अपने हाथ पे लगा करके टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।